आज पढ़ेंगे नेटवर्क एनालिसिस में यूनिट नंबर 4। तो मेरा नाम है रमेश कुमार और मैं जीपीसी दोसा में इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। तो जो आपका टू पोल नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे, वो कैसे आपका काम करता है, इसमें कौन कौन से पैरामीटर होते हैं और इसके साथ ही इसमें एक पैरामीटर से दूसरे पैरामीटर कैसे रिलेटेड होता है। तो फर्स्ट होता है आपका नेटवर्क अपन जानते हैं एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, वो आपस में जुड़े होते हैं। एलिमेंट का मतलब आर एल सी होते हैं। तो जिसमें आर एल सी एक पर्टिकुलर फॉर्म में जुड़े होते हैं उसको अपन नेटवर्क कहते हैं। तो नेटवर्क में अपन वोल्टेज और करंट है वो कितने तरफ से दे सकते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको अपन अलग अलग नेटवर्क पोल बोलते हैं। जैसे आपका सिंगल पोल नेटवर्क है, सिंगल पोल नेटवर्क में अपन एक नेटवर्क सर्किट रहेगा जिसमें एक साइड से या एक तरफ से अपन वोल्टेज और करंट दे सकते हैं। तो इसमें अपन एग्जांपल देते हैं, जैसे कोई भी आपका फैन है वो इसका एक एग्जांपल हो सकता है, कोई भी आपकी लाइट है वो इसका एग्जांपल हो सकता है। तो अपने जो डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं जिसपे अपन जैसे ही अपन सप्लाई लगाते हैं वोल्टेज और करंट, और वो आपका रन हो जाता है, उसमें पर्टिकुलर सर्किट होता है। तो जिस ऐसा नेटवर्क जिसमें ओनली एक ही तरफ से वोल्टेज और करंट अप्लाई कर सकते हैं या एक ही तरफ से अपन वोल्टेज और आई को एनालिसिस कर सकते हैं उसको अपन बोलते हैं सिंगल पोल नेटवर्क। लेकिन अपन जो सिलेबस में है या जो जनरली काम में लिया जाता है वो आपका है टू पोल नेटवर्क। और टू पोल नेटवर्क में एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें अपन एक साइड दो साइड से अपन वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं या दो साइड से अपन वोल्टेज को और करंट को एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एक साइड है आपकी फर्स्ट, जिसको अपन बोलते हैं पोर्ट वन, और सेकंड साइड है जिसको अपन बोलते हैं पोर्ट टू। पोर्ट वन से अपन वोल्टेज अप्लाई करेंगे वी वन और आई वन, और पोर्ट टू से वोल्टेज अप्लाई करेंगे या एनालिसिस करेंगे वो रहेगा वोल्टेज और करंट, वोल्टेज वी टू और आई टू। तो यहाँ पे देखिए अपन जानते हैं कोई भी सोर्स होता है उसमें से चाहे आपका वो वोल्टेज सोर्स हो या आपका करंट सोर्स हो, उसमें जितने आपके करंट बाहर निकलती है उतने ही करंट वापस एंटर करती है, या ये बोल सकते हैं जितना आपका चार्ज होता है वो एग्जिट करता है उतना ही आपका चार्ज वापस एंटर हो करता है। इसलिए एंटर और एग्जिट के लिए अपन को दो टर्मिनल की जरूरत होती है, इसलिए यहाँ पे दो टर्मिनल है फर्स्ट और सेकेंड। और ऐसे ही आपका इसमें भी आपका दो टर्मिनल पोर्ट टू के लिए काम आएंगे, फर्स्ट टर्मिनल और सेकंड टर्मिनल। इसलिए टू पोल नेटवर्क में अपने पास चार नेटवर्क हो जाते हैं, चार टर्मिनल हो जाते हैं, फर्स्ट टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल, थर्ड टर्मिनल और फोर्थ टर्मिनल। तो एक पोर्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन को दो टर्मिनल की जरूरत होती है। तो यहाँ पे आपके दो पोर्ट है तो अपन के पास टोटल फोर टर्मिनल हो जाते हैं। ऐसे ही यदि अपन एनालिसिस करने का या वोल्टेज और करंट अप्लाई करने की साइड यदि ज्यादा हो जाती है तो आपका नेटवर्क पे साइज भी बढ़ जाता है और उसको अपन थ्री पोर्ट भी बोल सकते हैं और फोर पोर्ट भी हो सकते हैं
ये आपका डिसाइड होगा अपन कितने यानी ऐसा नेटवर्क जिसमें यदि एक साइड अवेलेबल है स्टेडियम वोल्टेज और करंट के लिए तो उसको अपन सिंगल पोल नेटवर्क बोलते हैं। यदि ऐसा नेटवर्क जिसमें दो साइड अवेलेबल है जिस पे अपन वोल्टेज और करंट अप्लाई कर सकते हैं उसको टू पोल नेटवर्क बोलेंगे। यदि किसी में तीन साइड अवेलेबल है तो उसको थ्री पोर्ट बोलेंगे। ऐसे आपका ये पोर्ट आपका जिस साइड बढ़ेगी उस हिसाब से आपका पोर्ट नेटवर्क बढ़ जाता है। तो अपन का जो चैप्टर है वो आपका है टू पोर्ट नेटवर्क। तो टू पोर्ट नेटवर्क में अपन बढ़ेंगे। जो टू पोर्ट नेटवर्क अपन जो जनरली काम आता है वो आता है आपका जैसे एम्पलीफायर होता है। एग्जांपल एम्पलीफायर में जैसे अपन ट्रांजिस्टर काम में लेते हैं। ऐसे ही ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसमिशन लाइन ये आपके एग्जाम्पल है टू पोल नेटवर्क। एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर उसमें अपन जनरली इनपुट देते हैं और जो आपका आउटपुट मिलता है उसको अपन किसी और जगह यूज करते हैं। तो इसमें आपका इनपुट वोल्टेज को एनालिसिस कर रहे हैं और आपका आउटपुट वोल्टेज को एनालिसिस कर रहे हैं। ऐसे ट्रांसफॉर्मर में उसमें अपन सप्लाई देते हैं आपका आउटपुट वोल्टेज अप और डाउन होता है तो उसमें भी अपन आउटपुट वोल्टेज को एनालिसिस कर रहे हैं आउटपुट करंट को एनालिसिस कर रहे हैं। और ऐसे आपके ट्रांसमिशन लाइन जैसे आपके जो थर्मल पावर प्लांट है वहां से सप्लाई आ रही है और अपने घरों में आ रही है तो जो वहाँ वोल्टेज होता है वो आपका हाई रेंज का होता है जबकि घरों में जो लाइट होती है वो आपका 220 वोल्टेज होता है। अपने जो स्टेशन होती है वहाँ पर भी आपका 1100 है वोल्ट होता है स्टेशन में। और जो होम्स में आता है वो आपका 220 वोल्टेज आता है। तो यहाँ पे अपन बीच में जो आपका सर्किट है वो आपका नेटवर्क कहलाता है। तो उसमें अपन स्टेशन और होम दो आपकी साइड होगी जहाँ पे अपन वोल्टेज को एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये आपका ट्रांसमिशन लाइन है वो भी आपका एक टू पोर्ट का पार्ट है। देन अपन जो भी पोर्ट पे अपन वोल्टेज और करंट अप्लाई कर रहे हैं इस पोर्ट पे अपन वोल्टेज V1 अप्लाई कर रहे हैं और इस पे अपन करंट I1 अप्लाई कर रहे हैं। V1 और I1, V2 और I2। अब इसमें आपस में ये पोर्ट वन की जो क्वांटिटी है V1 और I1 और पोर्ट टू की क्वांटिटी है V2 I2 इनको आपस में संबंध बताने के लिए कुछ पैरामीटर बोलते हैं जिनको अपन टू पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर बोलते हैं। और ये जनरली आपके जो उपलब्ध होते हैं एक तो होता है आपका जेड पैरामीटर। वाई पैरामीटर ये जनरली अपन इसमें टू पोर्ट नेटवर्क में ये चार पैरामीटर पढ़ेंगे। सामान्यतः यही अपने काम में आता है।